हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पाइथन का है और पाइथन में आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर की। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, ये दोनों साइड को देखता है और दोनों साइड सेम मिलते हैं तो उसे ट्रू बोलता है, अदरवाइज ये फॉल्स में आंसर दे देता है। तो चलिए आइए समझते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ए में कुछ भी असाइन कर दीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए 89 असाइन कर लेते हैं ए में, और यहाँ पे बी लिखता हूँ और बी इज इक्वल टू ए कर देता हूँ, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे प्रिंट करवाता हूं, पाइथन में सिर्फ प्रिंट ही लिखा जाता है ये तो मालूम ही होगा। यहां पे लिखता हूं ए इज बी, ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने ए इज बी, और इसको सेव करते हैं। यहां से फाइल पे चलते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, सेव कर लिया हमने, वाई वाई वाई, ये देख सकते हैं ये सेव कर लिया हमने, और यहां पर जाकर के फिर रन करवाते हैं तो ये देख सकते हैं ट्रू में आंसर दे रहा है, ठीक है। अब फिर यहां पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज करता हूं, इज नॉट कर देता हूं, तो यहां पर ये आंसर किस में देगा, यहां पे देखिए इसको सेव किया, अब देखिए ये आंसर देगा फॉल्स में, तो यहां पे देख सकते हैं ये फॉल्स में आंसर दे रहा है, तो यही आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। पर मैं इसको हटा देता हूं, ए इज बी लिखा हुआ है, और यहां पर अगर मैं लिख देता हूं प्लस टू, ठीक है, अब इसको सेव कर लेता हूं, यहां से जाके इसको सेव किया और अब इसको रन करवाता हूं, तो ये देखिए ये रन हो जाएगा लेकिन फिर भी ये फॉल्स में आंसर देगा। कारण क्या है फॉल्स में आंसर देने का, ए 89 तो है, यहां पर बी इज इक्वल टू ए लिखा हुआ लेकिन प्लस टू हमने कर दिया, दैट्स वाई ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, इस वजह से ये आंसर फॉल्स में दे रहा है। एक तो लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, यहां पर करता हूं ए इज इक्वल टू, अब लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आपको पता है ना लिस्ट कैसे बनाई जाती है, मैंने बताया था आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो यहां पर मान लीजिए मैं दे देता हूं 55, 56, 57, ये मैंने एक लिस्ट बना ली है, और अब नीचे आकर के लिखूंगा b इज इक्वल टू ए। जब मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू ए तो अभी इसका मतलब हो गया कि b में भी क्या क्या असाइन है, क्या क्या चीजें रखी हुई है, 55, 56 और 57 रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करवाता हूं तो यहां पर आंसर ट्रू आएगा, देख सकते हैं ये ट्रू में आंसर आ रहा है। तो जिस तरह से इज है उसी तरह से इज नॉट भी है, ठीक है। अगर मैं इज नॉट लिख देता हूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमें, यहां पे देखिए इसको सेव करता हूं फिर इसको रन करवाता हूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, इसका डिटेल में और भी ज्यादा प्रयोग कहां कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ये आगे चल करके आगे के वीडियोस में बताता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।